हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी कर रहे थे हम लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर नंबर 7 है, एडजेक्टिव्स, उसकी वर्क ड्रिल की थी। ओके, अपने चैप्टर नंबर 7 एडजेक्टिव्स की हम लोगों ने वर्क ड्रिल दी थी। एंड कुछ जो अपना जो चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन था, वर्क ड्रिल का जो लास्ट क्वेश्चन था, वो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। ओके, सो सॉल्व करते हैं। ओके, एंड जिसको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो आप। ओके, सो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स एज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स। क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको? जो ब्लैंक्स हैं इनमें सुटेबल एडजेक्टिव फिल करना है। किसके थ्रू? आपको ये जो साइड में जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं ना, जिनमें कि आपको एडजेक्टिव बताए हुए, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्वालिटी, क्वांटिटी, इंटरोगेटिव, आपको ये जो एडजेक्टिव्स बताए हुए हैं इनके थ्रू आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, ये तो आपको काइंड बताए हुए हैं। इधर आपको जो वर्ड इनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, सो फर्स्ट चेकआउट करते हैं। डैश ड्रेसेस आर माइन। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में हम किसी चीज को पॉइंट अप करते हैं ना, जैसे दिस, दैट, दोज, दीज। ठीक है, हम लोग पॉइंट अप करते हैं। सो क्या करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए? दिस, सॉरी, दीज, दीज ड्रेसेस आर माइन। ये सारी ड्रेसेस मेरी हैं। सो दीज, टी एच ई एस ई, दीज। ओके, देन सेकेंड, राहुल इज ए डैश बॉय। क्वालिटी, राहुल की हमें क्वालिटी बतानी है, राहुल कैसा लड़का है। राहुल इज अ गुड बॉय। ठीक है, गुड लिख सकते हैं, राहुल इज अ गुड बॉय, जी डबल ओ डी, गुड। ओके, देन थर्ड, गिव मी डैश टू ड्रिंक। गिव मी डैश टू ड्रिंक, क्या बतानी है? क्वांटिटी। ठीक है, क्या बतानी है? क्वांटिटी। गिव मी समथिंग टू ड्रिंक, समथिंग लिख सकते हैं, गिव मी समथिंग टू ड्रिंक, एस ओ एम ई टी एच आई एन जी, मुझे कुछ पीने के लिए दो, गिव मी समथिंग टू ड्रिंक। ओके, देन फोर्थ, डैश इज द कलर ऑफ द स्काई। जो यहां आएगा क्या? इंटेरोगेटिव, लास्ट में इधर क्वेश्चन मार्क भी है, इंटेरोगेटिव। सो इंटेरोगेटिव में क्या यूज करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से। सो ऑलमोस्ट अगर एडजेक्टिव यूज करें तो डब्ल्यू एच वर्ड से करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो यहां यूज है। ओके, सो वॉट इज द कलर ऑफ द स्काई, कि स्काई का क्या कलर होता है? वॉट, डब्ल्यू एच ए टी, वॉट, वॉट इज द कलर ऑफ द स्काई, स्काई का क्या कलर होता है। ठीक है, देन फिफ्थ, डैश बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द रूफ। क्वांटिटी बतानी है हमें। ठीक है, क्वांटिटी बतानी है कि कितनी बर्ड्स बैठी हैं रूफ पर। यू बोल सकते हैं ना, सम बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द रूफ। ठीक है, कुछ बर्ड्स छत पर बैठे हैं, ऑन द रूफ बैठे हैं। सो फिफ्थ, सम, एस ओ एम ई, सम बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द रूफ, कुछ बर्ड्स रूफ पर बैठे हैं। ओके, देन सिक्स्थ, डंकी इज कंसिडर्ड एज डैश एनिमल। क्वालिटी, डंकी को कौन से एनिमल के रूप में कंसिडर किया हुआ है? क्वालिटी, एज अ डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, सो डंकी इज कंसिडर्ड एज ए डोमेस्टिक, डी ओ एम ई एस टी आई सी, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एनिमल। ओके, देन सेवन्थ, कीप डैश बुक्स ऑन द सेल्फ। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या करेंगे? किसी चीज को पॉइंट अप। ठीक है, सो कीप दीज बुक्स ऑन द सेल्फ। ठीक है, सो कीप दीज, टी एच ई एस ई, दीज, कीप दीज बुक्स ऑन द सेल्फ। देन एट, डैश डू यू लिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना है।
ठीक है, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना है. सो वेयर डू यू लिव, लिख सकते हैं वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो. ओके. नाइन्थ, देयर आर डैश कैंडीज इन द जार. क्वांटिटी, क्वांटिटी बतानी है. देयर आर सम कैंडीज इन द जार, जार में कुछ कैंडीज हैं. सो सम, एस ओ एम ई, सम, देयर आर सम कैंडीज इन द जार. एट्थ, आई लाइक डैश सूप विथ डैश ब्रेड. क्वालिटी, क्वालिटी बतानी है. सो आई लाइक हॉट सूप विथ ड्राई ब्रेड. आई लाइक हॉट सूप विथ ड्राई ब्रेड, मुझे हॉट सूप अच्छी लगती है किसके साथ, ड्राई ब्रेड्स के साथ. ओके. सो यहां कंप्लीट होता है हमारा जो चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 7th एडजेक्टिव जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है. अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो. ओके, बाय.